बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर निर्माण समिति की आज एक अहम बैठक होने वाली है। और इस बैठक में आपको बता दें कि आईआईटी चेन्नई के वैज्ञानिक शामिल होंगे, तो वहीं एलएनटी इंजीनियर्स भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो राम मंदिर निर्माण समिति के अयोध्या पहुंचे हैं अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, एलएनटी के इंजीनियरों के साथ बैठक करेंगे, वहीं ट्रस्ट के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो सीबीआरआई रुड़की और आईआईटी चेन्नई के एक्सपर्ट्स भी इस बैठक में आज शामिल होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि सर्किट हाउस में ये बैठक हो सकती है। बता दें कि मंदिर निर्माण के लिए 1200 पिलर बनाए जाने हैं और कार्य शुरू कराए जाने पर ऐसे में फैसला लिया जाएगा इस बैठक में। और सत्यप्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, हालांकि निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, अभी पिलर्स जो वहां पर बने हैं उनको लेकर ये अहम बैठक? जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से मंदिर निर्माण का कार्य जो लगभग पिछले कई दिनों से शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक जो पिलर बनाए गए थे वो टेस्टिंग के स्वरूप बनाए गए थे। उसके बाद सभी पिलरों का जो टेस्टिंग की जा रही थी, जिसकी रिपोर्ट भी लगभग आ चुकी है। अब आज इसकी संबंध में आज बैठक बुलाई गई है कि जो 1200 पिलर बनाए जाने हैं उस पर किस प्रकार के निर्णय होगा और क्या इस रिपोर्ट में क्या कमियां हैं या और भी क्या नया फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल इस इन सभी मुद्दों को जो लेकर जो एक्सपर्ट जो टीमें हैं वो सभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वहीं एलएनटी की अधिकारी भी यहाँ पर हैं, जो अभी बैठक में सभी लोग मौजूद होंगे। ट्रस्ट के लोग भी, क्योंकि चंपत राय भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे और एक ऐतिहासिक निर्णय होगा कि कब से काम को तेजी से शुरू किया जाए, क्योंकि टेस्टिंग के बाद से कार्य पिलरों का कार्य रोक दिया गया था क्योंकि टेस्टिंग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी और आज इन टेस्टिंग की रिपोर्ट भी आ चुकी है। इस पर फैसला आज हो जाएगा, उसके बाद निर्माण का कार्य, जो पिलर बनाए जाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इसके बाद माना जा रहा है कि 3 महीने का ड्यू है, कार्य शुरू होते ही 3 महीने के अंदर 1200 पिलर को तैयार किया जाना है। उसके बाद 3 महीने में फाउंडेशन तैयार किया जाना है, लगभग जून माह से जो है मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू कर देना है। ऐसे में ज्यादा देर न करते हुए जल्द से जल्द कार्य शुरू हो सके, इस पर आज फैसला लिया जाएगा। जी चलिए, धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए।